नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, CHSL का प्री अभी चल रहा है, 4 मार्च से चालू हो गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 45 प्लस 1/√2, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 10 45 हो जाता है 1, और 1/√2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1 + 1/√2 कितना हो गया, √2 + 1/√2। आपको ऑप्शन में कुछ भी बोल सकता है, √2 + 1/√2 बोल सकता है, या कोई उसको सिंप्लीफाई करके कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल ऐसे ही सॉल्व होगा। और 10 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1/√2 ऑलरेडी दिया है, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग अगर आ जाए, तो अगला क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ द सर्कल वॉज गिवन। एरिया सर्कल का जो दिया हुआ है 63.64 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और आप लोग को निकालना है 2 पाई आर। क्या निकालना है आपको, 2 पाई आर निकालना है। तो इसके लिए आप लोग इजीली क्या करोगे, आपके पास जो टर्म है फिर 364.5, वो 11 से ये 22 से कट नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहीं आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 364.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को आर का अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 11। कितना आ जाएगा आपको, आर का अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 11। और जब आप 11 को 2 पाई आर में रखोगे, 2 × 22/7 × 11 में जब रखोगे, तो आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 34 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन में जो 34 पॉइंट समथिंग वाला जो आंसर रहेगा वो सही हो जाता है। कभी कभी अप्रॉक्सीमेशन में दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग का 34 होगा, 44 होगा, 50 होगा, 24 होगा, तो आप लोग 34 33 के आसपास जो रहेगा उसको टिक करके आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 8 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 8 साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, √3/4a² ए आपको दिया हुआ है, आपको √3/4a² निकालना है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला ही काम करता है। और CHSL में खासकर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे रहेगा, तो फॉर्मूला अगर पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए, तो इसमें बोल रहा है एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 है, हर जगह 6 होगा, स्क्वायर है तो 6 है। यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 6a² और a का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216 आपका आंसर हो जाता है। अब अगले अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं, तो ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट्स टू रुपीस कितना, 340। 340 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बोल रहा है, इंटरेस्ट नहीं है वो, इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीस, मतलब इंटरेस्ट जुड़ने के बाद 340 हो रहा है। 6% इंटरेस्ट इन 8 मंथ्स ऑफ टर्म ड्यूरेशन, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। आप लोग को प्रिंसिपल निकालना है। तो ये बोल रहा है P+PRT/100 इक्वल टू 340। आपको R दिया है, T दिया है, R कितना दिया है 6% और T दिया है 8। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। P आपको निकालना है, P+PRT/100 इक्वल टू 340 दिया है, और आपको जो निकालना है पी निकालना है। तो एक अननोन है, एक इक्वेशन है, तो आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा अगर आप लोग कैलकुलेशन पे जाओगे तो, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे इजी क्या क्वेश्चन देगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है पी निकालना है और आरटी दे चुका है, अमाउंट दे चुका है। सो आप लोग ये कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए, तो एक ट्राइंगल है, द बिगेस्ट एंगल इज ए बोलता है। एक ट्राइंगल है, सबसे बड़ा एंगल ए है जो कि 80 डिग्री है, और फिर स्मॉलेस्ट एंगल सी है जो 80 डिग्री से 40 डिग्री कम है, 40 डिग्री लेस देन द बिगेस्ट एंगल। बिगेस्ट एंगल क्या है, 80, और जो सी है वो है स्मॉलेस्ट, जो कि 40 डिग्री कम है किससे, बिगेस्ट एंगल से। 80 से 40 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 40, 40 क्या हो गया सी, और ए क्या हो गया 80। अगर ये 80 और ये 40 है तो बी कितना हो जाएगा, 80 और 40 120 हुआ, तो बी हो जाएगा 60। आपको क्या पूछा है, तो फाइंड द थर्ड एंगल, एंगल बी पूछा है, तो 60 हो जाएगा। इसको आप लोग ओरली आराम से कर सकते हैं, ए इक्वल टू 80 दिए है, सी इक्वल टू 40, 40 कम हुआ, और बी निकालना है, दोनों को प्लस करोगे तो 120 होगा, और एक टोटल कितना होता है 180, 180 में से 120 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका आंसर बी का। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए, तो एक रॉड का लेंथ दे दिया है 67, और उसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है, और फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो दे दिया है 6:7, और सेकेंड और थर्ड का रेशियो दे दिया है 3:5। इसको अच्छे से अगर हम लोग लिख लें, तो एक रॉड है उसको 3 पार्ट में किया है 6:7 और 3:5 में,
और टोटल कितना है 67। तो आप लोग इसका कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका इसका एक एक इसको एक साथ कर देते हैं, 7 और 3 का जो एलसीएम है वो 21 होता है। 7 को 21 करने के लिए इंटू 3 करेंगे तो 6 इंटू 3 भी करेंगे 18, और 3 को 21 करने के लिए इंटू 7 करेंगे तो 5 इंटू 7 भी करेंगे 35। ये हो गया आपका फाइनल रेशियो 18, 21 और 35। क्या हो गया, ये फाइनल रेशियो हो गया 18, 21 और 35। 18, 21 और 35 आपका जब रेशियो हो जाता है तो टोटल जो 18, 21 और 35 को आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 74। 74 की वैल्यू ही 67 है। और आपको निकालना कौन सा सेकंड पार्ट, मतलब 21 का पार्ट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 67 × 21/74। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अराउंड 19 के आसपास आएगा, अराउंड 19 के पास आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट में सही आंसर इसका डाल दीजिएगा। तो आपका करना ऐसे ही है, 74 = 67 और 21 को आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर ला देना है, 19 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए तो एक राघव है जो कि वर्क करता है 5 दिन में और एक राहुल है जो कि वर्क करता है 9 दिन में। तो बोल रहे हैं दोनों टुगेदर वर्क करने से उनको पैसा मिलता है 5600। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी अर्न बाय देम। ये 5 दिन में काम खत्म कर देता है, ये 9 दिन में काम खत्म कर देता है और 5600 टोटल मिलता है। मतलब ये 5 दिन में काम करता है तो इसका एफिशिएंसी तो ज़्यादा हुआ तो इसको ज़्यादा ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ये 9 दिन में काम करता है इसका एफिशिएंसी कम हुआ तो ये इसको कम पैसा मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये 5 है ये 9 है, तो इसको एफिशिएंसी आपको अर्निंग का जो रेशियो है उसको कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम हो गया 45 और ये हो गया 9, ये हो गया 5। यही होता है 9:5 जो है आपका अर्निंग का रेशियो हो गया। 9 जो कमाएगा अपना पहला वाला राघव, और जो 5 कमाएगा वो अपना है राहुल, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वही निकालने बोले। ये जो टोटल है ये कितना हो गया 14, 14 का वैल्यू ही 5600 दिया हुआ है और आपको डिफरेंस निकालना है 4, 4 का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसमें एक बोल रहे हैं कि 14 का वैल्यू 5600 और आपको 4 का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप लोग। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 × 5600/4 14 करोगे तो 14 चार बार जाएगा 400 बार, और 400 × 4 1600, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 1600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन बोलता है x + y = x² + y² = 45, दूसरा बोलता है x - y = 5, दूसरा बोलता है x - y = 5। अगर आप इसको लंबे मेथड से सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आप लोगों का दो से तीन दिन लग जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर इसको तुक्का मारोगे, इसको एक बैठा के देखोगे कि कहीं क्वेश्चन जम तो नहीं रहे। अगर आप लोग देखोगे कि x - y = 5 है तो 5 तो होगा नहीं, 5 से तो बड़ा ही होगा x, x - y = 5 है तो 5 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली x। 5 से बड़ा हुआ, अगर 5 से बड़ा हुआ तो 6.5 हुआ x का वैल्यू और y का वैल्यू हो गया 1.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अराउंड 44.5 के आसपास आएगा। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों के स्क्वायर को प्लस करोगे तो 44 के अराउंड आएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और हो सकता है ऑप्शन में कुछ और भी अच्छे ऑप्शन दिया हो जो माइनस में हो, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसको आप लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अगर होंगे तो ऑप्शंस को इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन के डिफरेंस का वैल्यू 5 है इसको चेक करिए, वहाँ से आपके दो ऑप्शन हट जाएंगे, और फिर दो में से एक को चुनना है तो इसमें रखिए, फिर आपके एक और ऑप्शन हट जाएगा और एक ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये बोल रहा है 213 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर। इसको आप लोग नॉर्मली स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको एलिमिनेट ऐसे किया जाता है, जैसे कि 213 है और 187 है, इसके आखिर में भी 9 आएगा, इसके आखिर में भी 9 आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 8 आएगा। इसके आखिर में भी 9 आएगा, इसके आखिर में भी 9 आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 8 आएगा। और आपके ऑप्शन में जिसमें भी 8 है उसको मार दीजिए। अगर आपके ऑप्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शन में 8 है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में ये 3 नंबर का है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा वो 6 नंबर या 6 से ज़्यादा का होगा, 6 से कम के जो भी ऑप्शन है उसको आप हटा सकते हैं, ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका पहला हिंट हो गया 8 और दूसरा हो गया 6 नंबर या 6 नंबर से ज़्यादा का ऑप्शन, 7 हो सकता है, कैरी ऊपर से जाके 7 हो सकता है, वो तो 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 6 से कम नहीं हो सकता।
अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं तो एक ट्रायंगल है जो पी क्यू आर है विद राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल है क्यू विथ राइट एंगल एट क्यू वॉज गिवेन ऑल्सो दैट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 17.17/15। इस क्वेश्चन में मेरे को अभी थोड़ा डाउट है कि ये सही है क्वेश्चन है कि नहीं है, तो इसको इस क्वेश्चन को मैं कंफर्म करके बताऊंगा। सो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।